ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज का बहुत जरूरी सवाल ये है कि क्या गली गली में होने वाली बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन बंद हो जाएंगे? क्या उन्हें कराने वाले जेल जाएंगे? जिम्स में छापे पड़ेंगे? जो जिम चलाने वाले, जिम के हेल्पर, जिम के कोचेस सब जेल जाएंगे? उनके ऊपर फाइन लगेंगे? आज का सवाल है ये। और अगर आप सोच रहे हैं कि निपुण भाई ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भारत में लोकसभा में पारित हो गया है एंटी डोपिंग बिल। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि इंट्रोड्यूस तो ये दिसंबर 2021 में हुआ था, एंटी डोपिंग बिल जिसे कहते हैं, लेकिन लोकसभा ने इसको परसों ही पारित किया है। और शायद आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इसको राज्यसभा में भी ले जाने वाले। तो देखिए, ये है वाडा की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वाडा ने जारी की थी दिसंबर 2021 में, और इसमें भारत को तीसरे नंबर पर, डोप वायलेशन में तीसरे नंबर की कंट्री बताया गया है। भारत के एथलीट 152 यानी 152 टाइम्स पकड़े गए 2019 में डोप रिलेटेड एक्टिविटीज में। ये थर्ड हाईएस्ट था। इससे पहले रशिया, सबसे पहले रशिया आता है जिसमें 167, और इटली जिसमें 157 लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद आता है भारत 152। इस 152 में से भी सबसे ज्यादा वायलेशन आए थे बॉडी बिल्डिंग में, फॉलोड बाई वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। कोई भी समझ सकता है कि बॉडी बिल्डिंग में इतने ज्यादा वायलेशंस क्यों हैं। अब आप बोलेंगे कि बॉडी बिल्डिंग तो ओलंपिक गेम नहीं है। अरे यार, ओलंपिक गेम हो या ना हो, वायलेशन इज अ वायलेशन। जो टेस्टिंग में पकड़ा जाता है, दैट्स अ वायलेशन। तो अब आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ये इस बेल्ट में बहुत सारे ऐसे फर्जी फैक्ट्रीज हैं जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं, फर्जी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन तक बना के भेजती हैं। सोचिए कि ये जो हमारे एथलीट्स हैं, चलिए मानिए वो स्टेरॉयड अब्यूज ले रहे हैं, लेकिन पैसा देने के बाद भी उनको क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं पता। ओके, और ये उनकी यानी यूथ को खराब करने की कुछ भी साजिश हो सकती है। मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये भी पता चला कि चाइना इन अ कपल ऑफ कंट्रीज मे बी बिहाइंड दिस इंटायर यूथ डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी फॉर इंडिया, ताकि पहले यूथ को ही बड़ा करने से पहले खत्म कर दो बॉडी बनाने के चक्कर में, है ना। बट एनीवेज, उस पे ज्यादा डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। बट सुनिए आप जरा, अपने आते हैं 2.5 महीने में तुमको सिक्स पैक आ जाएगा। सो 2.5 महीने में सिक्स पैक आते हैं और उसकी कीमत बहुत है, और ये पूरे देश के हर जिम में हर कोच के पास इसका नाम है। ये ड्रग्स आते कहां से हैं? ये कोच ट्रेन क्या करते हैं? ये कोच कौन है? ये कौन से देश की साजिश है कि हमारे यूथ को खत्म करें, हमारे स्पोर्ट्स को? अब वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो सप्लीमेंट्स भी कई लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सुप्रिया जी और कुछ और सदस्यों ने बात कही, ये चिंताजनक विषय भी है। और मैं सदन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और फिर कहना चाहता हूं, ये जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए सप्लीमेंट्स, चाहे जिम के बाहर हो या बाकी ऑनलाइन या ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हो, इसके बारे में जागरूकता की कमी या टेस्टिंग ना होना, तो इसके बारे में भी हम जो कदम उठाने वाले हैं उसकी मैं डिटेल में आपको आगे जानकारी दूंगा। परेशान हो जाते हैं कि 15-15 साल से जिम करने के बाद एक डोले शोले नहीं बनते हैं, पर इमीडिएट ऑफ ड्रग्स एंड दिस इफेक्ट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स दे टेक, तो इमीडिएट इन 3-4 मंथ्स दे कैन चेंज देयर टोटली बॉडी। और इस देश के अंदर जो जिम कल्चर चल रहा है, जिसमें सप्लीमेंट्स, अनाप शनाप सप्लीमेंट्स लोग लेना शुरू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कहीं रोक लगेगी एक अवेयरनेस से। एक बार फिर मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दिल में रहता है कि हम भी वैसी, आजकल तो बिल्डर लोगों को देखा है जिम में जाने के बाद, जब वो स्टेज पे वॉक करते हैं, ऐसे रैंप वॉक करते हैं, तो वो देखते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हैं, तो हम तो एंड वी कैन नॉट इवन इमेजिन इन ड्रीम। तो इससे बहुत बढ़िया चांस होगा, जो ओरिजिनल टैलेंट होगा उसको ग्राउंड पे खेलना, और देश के लिए चीटिंग करके नहीं, ईमानदारी से मेडल लाने का जो सबसे बड़ा सोर्स रहेगा, इससे वो खिलाड़ी ला सकते हैं और खेल सकते हैं। और माननीय सभापति जी, मैंने शुरुआती समय में कहा था कि भारत खेलों की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीतना आज तक के सबसे ज्यादा मेडल थे। डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीतना अपने आप में सबसे बड़े थे। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतना सबसे बड़ी आज तक के पदक तालिका हमारी थी। और इसी तरह से ही हमारा जो थॉमस कप में भी 73 वर्षों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता,
ये भी बैडमिंटन टीम ने जीता। लगातार खेलों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, 121 वर्ष में अगर एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए करने का काम किया है। जहां तक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात है सर, हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई वहां भी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले मेल एथलीट भारत के नीरज चोपड़ा बने। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का दर्जा प्राप्त किया था। माननीय सभापति जी, आखिरकार इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2008 में ये सुविधा देश में बनाई गई थी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी 2009 में इसके गठित किए गए, और जो एनडीटीएल के सस्पेंशन की बात यहाँ पर की गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी सस्पेंशन हुई थी, उसके कई कारण थे, लेकिन हर संभव प्रयास किए गए और इसकी सस्पेंशन को भी रिवोक करने का काम पिछले वर्ष कर दिया गया है। अब एनडीटीएल वापस काम कर रही है, और जब तक ये सस्पेंड थी तब तक हमें यहाँ से एथलीट के सैंपल्स को भी बेल्जियम एन के दूसरे देश भेजना पड़ता था, भेजने का खर्चा भी, टेस्टिंग का खर्चा भी 3 गुना से ज़्यादा आता था। अब हमारी अपनी क्षमता भी इतनी है कि हम अपने एथलीट्स का भी कर सकते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का भी आपने टेस्टिंग करने की बात कही उस पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत वो भी कर सकता है, ये भी अधिकार यहाँ पर होंगे। यहाँ बॉडी बिल्डिंग की एक बात आई, अब वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो सप्लीमेंट्स भी कई लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स के लिए, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सुप्रिया जी और कुछ और सदस्यों ने बात कही, ये चिंताजनक विषय भी है। एग्जाम्पल, यहाँ बॉडी बिल्डिंग की एक बात आई, अब वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो सप्लीमेंट्स भी कई लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स के लिए, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सुप्रिया जी और कुछ और सदस्यों ने बात कही, ये चिंताजनक विषय भी है। ये जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए सप्लीमेंट्स, चाहे जिम के बाहर हो या बाकी ऑनलाइन या ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हो, इसके बारे में जागरूकता की कमी या टेस्टिंग ना होना, तो इसके बारे में भी हम जो कदम उठाने वाले हैं उसकी मैं डिटेल में आपको आगे जानकारी दूंगा। हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया भी है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होती हैं उसकी टेस्टिंग हो, हमने उनके साथ भी उठाया है और उन्होंने भी डायरेक्शन देने की बात कही है, लेकिन टेस्टिंग की सुविधाएँ भी हों ये भी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी MOU साइन किया है, ताकि वो एक टेस्टिंग लैब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए अपने यहाँ पर बना सकें, और जब ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है ये जब अपनी टेस्टिंग लैब बनाएगी तो एक और ताकत भी हमारी बढ़ेगी, ताकि ऐसे सप्लीमेंट्स के खिलाफ हमारी वहाँ पर जाँच भी हो और लोगों को जानकारी भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस सब से क्या होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और जो नॉन स्टैंडर्ड्स हैं उसके बीच में जो जानकारी नहीं मिलती कि कौन स्टैंडर्ड वाले हैं कौन नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, उनकी जानकारी भी इस टेस्ट के माध्यम से मिल पाएगी और इस गैप को, कमी को भी हम पूरा कर पाएंगे। हमने कुछ खास चर्चा तो नहीं चल रही। दूसरा, सर्च एंड सीजर की आपने बात कही, ये इसलिए भी करना पड़ा कि उसके बिना तो बगैर किसी अधिकार के ये शायद एडुकेट लीगल अथॉरिटी बन बना पाती, तो इसको दिया है। मैं ये भी आश्वस्त सदन को करना चाहता हूँ, इसका कोई भी दुरुपयोग ना हो, इसका हम सब प्रयास करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के ही हित में है। ये किसी को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, ये खेलों में सुधार और खिलाड़ियों को नशों से दूर रखने के लिए, उस दिशा में डोपिंग से दूर रखने के लिए। सॉरी सर, नहीं सर, इसका उन्होंने कहा कि थोड़ी चिंता की जाए कि ऐसा कुछ ना हो सर्च एंड सीजर के लिए, तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और ऐसा संभव नहीं होगा। दूसरा, बजट की बात की गई, सर मात्र 4.5 करोड़ रुपया NDTL के लिए बजट होता था, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 21.5 करोड़ रुपया, लगभग 5 गुना ज़्यादा इसको करने का काम किया है। लेटेस्ट इक्विपमेंट भी इस पर हमने इंस्टॉल कर दिए, वहाँ पर भी फंड्स का कोई कमी नहीं आने दी, वो भी किया है, और NIPER और CSIR के साथ भी कोलैबोरेशन की है।
कि देश में जितने भी साइंटिफिक एजेंसीज हमारी ऐसी संस्थान हैं उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, आईआईटी से लेकर नाइपर से लेकर सीएसआईआर से लेकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सर इन सबके साथ हमने एग्रीमेंट और कोलैबोरेशन करने का काम किया है। सौगाता दा ने कहा कि कोच भी रिस्पॉन्सिबल और बाकियों ने भी कहा, निश्चित तौर पर जहां कोच ने खिलाड़ी को भ्रमित करके उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस लेने की बात कही होगी जो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, वहां पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसमें कोई कमी ना हो। कैच देम यंग की बात प्रसूंदा ने यहाँ पर कही, खेलो इंडिया की शुरुआत ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए की थी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है सर कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब हुआ तो 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने उसमें भाग लिया, जो दुनिया के सबसे बड़े यूथ गेम्स के रूप में एक दुनिया भर में खड़ा हुआ है। इसी तरह से ही यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 5,000 खिलाड़ी और एथलीट्स ने भाग लिया, जो दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में से एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में बनकर तैयार हुआ। सर ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनानी तो आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी फोटो क्यों खिंचवाते हैं, लेकिन सर उन खिलाड़ियों से पूछिए, क्योंकि मैं तो जब ओलंपिक्स में खेलकर खिलाड़ी आए या वहाँ पर खेल भी रहे थे या पैरालंपिक्स के थे, सर किसी भी देश के खिलाड़ी से पूछिए, दुनिया के शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में जाने से पहले और आने के बाद उनका स्वागत भी करता, उनका मनोबल भी बढ़ाता। सर इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ सभी माननीय सांसद भी अपने यहाँ के खिलाड़ियों को सम्मानित भी करें, खेलों का आयोजन भी करें और खेलों की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास भी करें। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध रहेगा सर, मैं इस पर कोई राजनीतिक, क्योंकि किसी माननीय सांसद ने भी नहीं यहाँ पर की, एक दो को छोड़कर उनको मैं रोक नहीं सकता। उसको बढ़ाकर 2,753 करोड़ रुपया किया गया है सर, कहाँ 342 करोड़, कहाँ 2,753 करोड़ रुपया। सर हम सबको खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम खेलों का बजट बढ़ना शुरू हुआ है, हालांकि खेल राज्य का विषय है, राज्यों को करना है। केंद्र सरकार तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लाकर वहां पर भी 100 करोड़ रुपया एलीट एथलीट्स पर खर्च करती है, जो मेडल जीतने की क्षमता रखती है या जो डेवलपमेंट एथलीट भी होंगे सर, उनके रहने का, खाने पीने का, उनका ट्रेनिंग, देश और दुनिया भर में भी पार्टिसिपेट करने का पूरा खर्चा मोदी सरकार ही वहन करती है और आगे भी करेगी सर, हम आगे भी करना। दूसरा सर मुझे लगता है कि कुछ बात यहाँ पर जो ग्रासरूट लेवल के एथलीट्स की गई, 3,000 एथलीट्स को सर हम प्रावधान किया है और देते भी हैं आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, लगभग 1,20,000 रुपया साल का हम 3,000 खिलाड़ियों को देते हैं, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के खिलाड़ियों के अलावा है। और जो स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं सर, उसको मैं एक 193 में चर्चा, उसमें बाकी सारा उपलब्धियों वाला अलग से बता दूंगा। सर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सिल्वर मेडल जीतने के से लेके बाकी गोल्ड मेडल जीतने का काम हुआ है सर, ये अच्छी दिशा में काम हो रहा है, सभी राज्यों की सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं, बहुत सारे माननीय सांसदों ने भी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा करवाई, बहुत सारे विधायकों ने भी अपने यहाँ पर खेलों के टूर्नामेंट कराए। हम सब इकट्ठे मिलकर खेलों को आगे बढ़ाएं और नाडा के माध्यम से एंटी डोपिंग गतिविधियों पर भी हम आगे इसको बढ़ाने का काम करें ताकि डोपिंग मुक्त भारत और खेल हो, इस दिशा में हम कदम उठाएंगे। आप सब ने अपना सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।